आज हम बात करने लगे हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की और पेंजिया की। ठीक हो गया। सबसे पहले देखते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो क्या हैं। जो ज़मीन है, ये जो ज़मीन है, इसकी जो तीन परतें हैं, जिनकी हम लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर चुके हैं कि सबसे अंदर वाली कोर है, बाहर वाली मेंटल है और सबसे बाहर वाली क्रस्ट है। ठीक है। तो ये जो क्रस्ट है, जिसकी जो मोटाई हमने देखी थी कि 20 से 70 किलोमीटर तक है, तो ये जो 20 से 70 किलोमीटर की मोटाई वाली तय है, जिसे क्रस्ट कहते हैं, इसके अंदर बहुत से फॉल्ट्स हैं, यानी बहुत सी दरारें हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? ये जो क्रस्ट है, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े फॉल्ट्स हैं। तो वो जो फॉल्ट्स या जो दरारें हैं, वो क्या बनाती हैं? उन्होंने प्लेट्स बना दी अर्थ के अंदर। ठीक हो गया। अर्थ के अंदर क्या कर दिया? प्लेट्स बना दी, और वो प्लेट्स हर टाइम पे एक दूसरे से टकरा रही हैं, और यही टेक्टोनिक मूवमेंट है, और इन्हीं को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ठीक हो गया। तो अभी जो है, 7 बड़ी प्लेट्स दुनिया के अंदर मौजूद हैं और 21 छोटी प्लेट्स मौजूद हैं। अब ये जो 7 बड़ी प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इन्हीं को 7 कॉन्टिनेंट्स भी कहा जाता है, कि जो 7 बरेआज़म जहाँ जहाँ आइडेंटिफाई किए गए। ठीक है ना। तो ये जो बरेआज़म हैं या कॉन्टिनेंट्स हैं, ये एक्चुअली में क्या है? ये 7 प्लेट्स हैं, और ये हर टाइम पे टेक्टोनिक मूवमेंट कर रही हैं, और 21 छोटी प्लेट्स हैं। अब इसी तरह से जो पेंजिया है, वो क्या है कि जो जियोलॉजिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि जो अर्थ है, जो अभी इसकी फॉर्म है, आज से कोई 20 करोड़ साल पहले जो है, ये अर्थ जो आज 7 प्लेटों पर मुश्तमिल है, 7 प्लेट्स हैं, ये कभी एक प्लेट हुआ करती थी। ठीक है। ये सारे के सारे 7 कॉन्टिनेंट्स एक प्लेट होते थे, और ये सारे के सारे ज़मीन का एक टुकड़ा था, जिसको पेंजिया कहा जाता था। ठीक हो गया। कि जो अर्थ जो 7 प्लेटों पर आज मुश्तमिल है, 7 प्लेट्स हैं, किसी ज़माने में आज से 20 करोड़ साल पहले जो है, सिर्फ एक प्लेट थी, जिसे पेंजिया कहा जाता था। ये है पेंजिया। तो अब ये क्या है? उसके बाद क्या हुआ कि करोड़ों साल का, क्योंकि ये प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस के दौरान ये टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती रही, ज़मीन का जो क्रस्ट है उसके अंदर फॉल्ट्स पैदा होते रहे, और जो पहले से मौजूद फॉल्ट्स थे, वो और मज़ीद गहरे होते गए। तो ये हमेशा हर टाइम पे आपस में टकरा रही हैं। ये जो प्लेट्स हैं, 7 बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी चट्टानें जिन्हें हम कह सकते हैं, ज़मीन के अंदर जो हैं, 7 जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ये हर टाइम टकरा रही हैं। 2.0 3.0 के जो है ना रेक्टर स्केल के ऊपर ये टकराती रहती हैं। जब ये 4.0 या इससे ऊपर टकराती हैं, तो हम कहते हैं ओह, जलजला आ गया भाई, बचो बचो भागो, ये तो बहुत शदीद है, ये वो ऐसा ही है। तो जब ये 2.0 पे 1.0 पे टकरा रही है मुसलसल, तो तब हमें फील नहीं हो रहा। तो इन्हीं टकराने की वजह से क्या है, इनके बीच में गैप आया, प्लेट्स टूट गई, वो जो एक प्लेट थी वो टूट गई मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, और पानी के, इनके बीच में पानी आया, और एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो गई। तो आज जो अर्थ की हालत है मौजूदा जो है, ये इसे करोड़ों साल लगे यहाँ पहुँचने में। जैसे अभी जो जियोलॉजिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं कि जो हमारी जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जो कॉन्टिनेंट है, वो मुसलसल मज़ीद पीछे जा रहा है पानी के अंदर, ऐसे ही फ्लोट कर रहा है किस्म का। क्यों? क्योंकि मुसलसल जो है वो टेक्टोनिक मूवमेंट हो रही है, तो उससे जो है ना, जो समंदर के अंदर की प्लेट्स हैं, वो भी टूट का शिकार, टूट फूट का शिकार हैं, जो ऊपर की हैं वो भी शूट टूट फूट का शिकार है। तो यही जो है, ये एक्चुअली में फॉल्ट्स हैं, और यही टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, यही टेक्टोनिक मूवमेंट है। इन प्लेट्स का आपस में टकराना और मूवमेंट करना, ये टेक्टोनिक मूव